उत्तराखंड के बीजेपी सरकार के 3 साल के कार्यकाल में विकास कार्य को ढूंढने कांग्रेस लालटेन के सहारे हल्द्वानी की सड़कों पर निकली। इस दौरान हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लालटेन यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में जनता को विकास कार्यों के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाकर जड़ से उखाड़ फेंकने की अपील की। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयदेश, पीसीसी चीफ प्रीतम सिंह, पूर्व सीएम हरीश रावत, किशोर उपाध्याय समेत अनेक कांग्रेस नेता इस रैली में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले 3 सालों में राज्य सरकार ने सिर्फ प्रदेश की जनता को विकास के नाम पर छलने का काम किया है। इसके अलावा बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई बेकाबू है, सड़क, स्वास्थ्य, बिजली, पानी के नाम पर सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है, इसलिए कांग्रेस राज्य सरकार के विकास कार्यों को लालटेन से ढूंढने निकली है। अभी भी लालटेन से राज्य सरकार का विकास कार्य नहीं दिखा तो अलग अलग विधानसभाओं में भी कांग्रेस लालटेन के जरिए विकास को खोजने की कोशिश करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने भी राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के नाम पर 3 साल में एक भी काम नहीं हो पाया और डबल इंजन के नाम पर चल रही सरकारें फेल हो गई हैं। केवल शराब सस्ती है, जिसके चलते उत्तराखंड के युवाओं को नशे की गर्त में धकेलने का काम राज्य सरकार कर रही है। उत्तराखंड से संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। क्या है वो कहीं भी किसी किसान के आंसू पोंछने के लिए नहीं जा रहा। किसानों का धान का पैसा बाकी है, उसका भी भुगतान नहीं हो रहा है। मेरे सम्मानित साथियों, आज किसान रो रहा है। 40,000 लोगों को नौकरियां दी, काम दिया 40,000 लोगों को, और 18,000 के लिए अभी व्यवस्था न होने के नाम पर हमारे बेरोजगार नौजवानों को खाली झंडा दिखाया जा रहा है, खाली ठगने का काम। 3 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 3 वर्षों में सरकार ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन तमाम वादों को जो है सरकार ने धत्ता बताने का काम किया है। और कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार द्वारा जो जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ सड़कों पर उतर करके हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत हमने देहरादून से की, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में भी किया, विकासनगर में भी किया, और आज यहाँ हल्द्वानी में कांग्रेस जनों का जनसैलाब सड़कों पर उतर आया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो ये जनसैलाब है, निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सरकार के आँख और कान खोलने का काम है। ये तो शुरुआत है, आगे अभी और लड़ाई है, यही तो ये अंगड़ाई है, अभी बहुत लड़ाई लड़नी है। कोई काम नहीं हो रहा है, लोग महंगाई से पीड़ित हैं, बेरोजगारी से पीड़ित हैं, आर्थिक मंदी से पीड़ित हैं, क्रय शक्ति खत्म हो गई, किसान व्यापारी आत्महत्या कर रहा है, तो लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। अभी तो ये पूरे 2 साल चलेगी और आखिरी समय में आप जैसे लोग जैसे खुश हैं आज आप कार्यक्रम से, वैसे जनता को भी प्रसन्नता हो, हमारे साथ आ जाए और ये सरकार हटाई जाए। सरकार ने लोगों का आगे रणनीति, ये सरकार लगातार विफल है, ये अपने रास्ते से भटक गई है। इसके जो मुद्दे थे सामाजिक आर्थिक, उससे विफल हो गए हैं। अब ये केवल विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रही है और यहाँ की जनता को कुचल रही है। ये इनका लगातार चलेगा, चूंकि इनकी योजना ही नहीं है। चाहे नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सब परेशान हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं। तो हम लोग उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए जैसे पहले करते रहे, वो अभी भी करेंगे और लगातार लड़ते रहे। आगे भी इस तरह के कार्यक्रम होना बेहद जरूरी है कांग्रेस को। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होंगे। अभी ये कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में हुए हैं, अभी ये जिलेवार भी होंगे और जो है प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में भी होंगे। देखिए, जिस तरह से पूरा विकास प्रदेश में रुका पड़ा है, इन 3 सालों में कुछ भी जमीन पर देखने को नहीं मिला है, और महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, ऐसे में जनता आक्रोशित है। और आज उसी को लेकर के कांग्रेस ने जो है लालटेन यात्रा निकाली है, एक चिताने के लिए वर्तमान सरकार को कि आपके 3 साल के कार्यकाल को देखिए और आगे काम करने का प्रयास करिए। ये कांग्रेस का एकजुटता भी दिखी है, आगे भी किस तरह से आंदोलन एकजुटता रहेगी, हमेशा एकजुटता दिखती है। कभी 3 साल का कार्यकाल होने जा रहा है। इन 3 वर्षों में सरकार ने जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन तमाम वादों को जो है सरकार ने धत्ता बताने का काम किया है। और कांग्रेस ने निर्णय लिया है
कि सरकार द्वारा जो जन विरोधी निर्णय लिए जा रहे हैं उसके खिलाफ सड़कों पर उतर करके हम सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इसकी शुरुआत हमने देहरादून से की, मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में भी किया, विकासनगर में भी किया, और आज यहाँ हल्द्वानी में कांग्रेस जनों का जन सैलाब सड़कों पर उतर आया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो ये जन सैलाब है निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सरकार के आँख और कान खोलने का काम है। की जनता परेशान है, दुखी है, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। युवा कल्याण, महिला कल्याण, किसान कल्याण कल की बातें हो गई हैं। इसलिए कांग्रेस अपने कर्तव्य को समझती है, इसीलिए हम भरी दोपहरी में जलती हुई लालटेन लेकर के त्रिवेंद्र सरकार के और केंद्र सरकार के 3 साल के विकास को खोजने के लिए चले हैं, जन कल्याण को खोजने चले हैं, और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।